इलेक्ट्रोल ईवीएम का मुद्दा इस देश के लिए अहम मुद्दा है, देश के लिए जीने मरने का ये प्रश्न है। एक मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आने वाला आदमी उसकी फाइल को इस तरह फेंक दिया, जबकि कई इस तरह के 32 के पटिशन यही सुप्रीम कोर्ट दिन में और रात में सुनती रही है और लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती रही है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी के हाथों का खिलौना ना बने, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग डंके की चोट पे सरकार के गलत कामों की मदद ना कर पाए। इस देश की तनख्वाह खाने वाले लोग, इस देश की तनख्वाह पे रहने वाले लोग, सारी जिंदगी पेंशन पूरी तनख्वाह की लेने वाले लोग, वो देश में चुप हो जाएं, देश के संविधान और देश के लोगों की रक्षा के वक्त पे काम नहीं आए, क्या करेंगे ऐसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों का करना क्या इस देश में? फिर जो लोग वक्त पे काम नहीं आ रहे, संविधान को नहीं बचा पा रहे, ईवीएम का भी केस है वो मार्च में है, और सब वकीलों का ये कहना है अगर ये बेंच नंबर 2 में रहा, जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में रहा, इसमें न्याय नहीं मिलेगा और जल्दी सुनवाई भी नहीं होगी। वहाँ किसान कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितना जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है अपने देश के नागरिकों पे, और ऐसा धुआं छोड़ा जा रहा है जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, परमानेंट उनके अंग खराब हो सकते हैं। ये तो दुश्मन की फौज पे भी नहीं छोड़ने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हमारी सत्ता में रोड़ा अटकाते हैं। ऐसे लोगों को आतंकवादी या नक्सलवादी बना के और बहुत सारे लोगों को इस देश में मारा जाता है, ये खतरनाक है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। कि जिसके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं, जो ईडी आईडी लगा रखी है, उन्हीं कंपनियों से चोर दरवाजे से तुमने 350 करोड़ रुपए ले लिए, रिकॉर्ड है। 350 तो एक नंबर में लिए होंगे, पता नहीं कितने गुणा इसमें 2 नंबर में भी लिए होंगे। इन बेंचों के सामने सीनियर वकीलों ने ये बात उठाई कि कुछ अहम मुकदमे इनके सामने क्यों जाते हैं, और उन अहम मुकदमों में इनका इंक्लिनेशन सरकार की तरफ ही क्यों होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संविधान की शपथ ली होती है, संविधान की सुरक्षा करनी होती है, सरकार की सुरक्षा नहीं करनी होती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारों की जब बात आती है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात, वो एक तरह से सरकार के खिलाफ ही लोग आते हैं, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट को कम करने का या हनन करने का अगर कोई काम करता है ज़्यादातर, वो सरकार ही करती है, सरकार की एजेंसियाँ करती हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग अपनी मानसिकता के हिसाब से इसको व्यवस्था समझने की बजाय अपने आप को शासनाधीश जब समझ लेते हैं तो इस तरह की बात होती है। क्यों अब पूरे देश के सामने ये जग जाहिर है कि जितने भी एजेंसियां हैं वो लगभग इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही हैं, अपोजिशन के लोगों को टारगेट बना रही हैं, देश का इलेक्शन कमीशन पे भी बार बार आरोप लग रहे हैं, और देश में इलेक्शन कमीशन को बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साइडलाइन करके इस तरह से कानून बना लिया, जिसमें जग जाहिर है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो अपने चहेतों को या चमचों को ही इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो लोग बोल भी नहीं रहे, वो भी मूक सहमति है लोगों की, और ये चंद दिनों में देश में लिखित में भी सामने आ जाएगी। देश के वकील अब, चाहे हाई कोर्ट के हों सुप्रीम कोर्ट के, अब ऐसे जजों का नाम लेके डिस्कशन करते हैं, और जो कि अच्छी बात नहीं है देश के लिए, मगर मरता क्या नहीं करता। ऐसे ही हालात जब इमरजेंसी में हुए थे तो देश के लोगों के फंडामेंटल राइटों का हनन हुआ था, और जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थी, सारे जज लंबे लेट गए थे और देश के लोगों के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब हुए थे। तब एक जज भी था जिसका नाम था जस्टिस खन्ना, जो आज के जो संजीव खन्ना जज हैं उन्हीं के चाचा थे, जिन्होंने देश में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद भी एक तरह से उनका खतरे में पड़ गया, उसके बावजूद भी वो देश के लोगों के प्रति, देश के लोगों के अधिकारों के प्रति बोले, वो सरकार से डरे नहीं, भय में या लालच में आए नहीं। तो उन्हीं जस्टिस खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वकील, और जो प्रश्न चिन्ह काफ़ी हद तक सही है, उसमें ये लगाया गया कि कई मुकदमों को एक तरह से इन लोगों के सामने गलत तरीके से लगाया जाता, प्रोसीजर सही फॉलो नहीं किया जाता, ये बहुत सीरियस इशू है देश के लिए। और मुकदमा एक तो जस्ट कपिल सिब्बल ने वापस लिया अपने किसी क्लाइंट का, जिसका नाम है उमर अब्दुल्ला, उसकी उमर खालिद, 13 बार उस बंदे की, वो एक यंग आदमी है, उसकी जमानत पे 13 बार एडजोर्नमेंट हुई, यानी मुकदमे में तारीख पे तारीख लगती रही, जबकि जमानत के केसों में ऐसा नहीं होता। और बड़ी बात यह है कि देश के अंदर देश के लोगों को देश का सिटीजन समझने की बजाय उनको हिंदू मुसलमान के चश्मे से या जातिवादी चश्मे से देखने की जो प्रथा देश में है वो बहुत भयानक और खतरनाक है देश के लिए। ऐसे जो लोग भी हैं या जो एजेंसियाँ इस तरह से काम करती हैं, वो देश का बेड़ा गर्क करने में कहीं ना कहीं सहयोग देगी। ये देश पहले ही विभाजन का एक दंश झेल चुका है, जिसमें आज दोनों देशों के लोग उसमें शामिल नहीं थे, बल्कि देश में पॉलिटिकल लोग ही थे जो इस देश का विभाजन कराया, जिन्होंने संप्रदाय के नाम पे, जिसको धर्म का नाम चोला ये लोग ओढ़ते हैं,
ये संप्रदाय हैं कि पार्लियामेंट किसी जज को हटाने में कामयाब नहीं हुई है, लगभग ऐसे ही लिपापोती हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में देश क्या करे, देश के मालिक क्या करें और देश के वकील क्या करें? तो उनके पास एक रास्ता है कम से कम, वो रास्ते पे कोई इस्तीफा दे या ना दे नैतिकता के आधार पे, मगर इस्तीफा तो मांग ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट के वकील, इनकी ड्यूटी भी बनती है अपने देश के प्रति और संविधान के प्रति। हमारी ड्यूटी देश के उन जजों के प्रति नहीं है जो देश के संविधान की पालना नहीं करना चाहते, जो देश के संविधान को फेल करते हैं, देश के लोगों की लाइफ और लिबर्टी और उनके अधिकारों को में वो फेल रहते हैं, उनको अपहेल्ड करने में। देश में आज दो ही कानून ऐसे हैं जिनको ड्रैकोनियन कानून बता रहे हैं वकील लोग। वो ड्रैकोनियन कानून कौन कौन से हैं, वो खतरनाक कानून कौन कौन से हैं, वो देश के दुश्मन कानून कौन कौन से हैं, वो UAPA और PMLA। ये कानून बनाए थे सदुपयोग करने के लिए, मगर इनका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अपोजिशन के लोगों को इसमें शिकार बनाया जा रहा है, या उन लोगों को अब देश के सामने आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, जो मुकदमा 5 साल से पेंडिंग था, अब जाके उसका समाधान हुआ है। इसी तरह से इलेक्ट्रोल EVM का मुद्दा इस देश के लिए अहम मुद्दा है, देश के लिए जीने मरने का ये प्रश्न है। ऐसे मुकदमे में इमीडिएट सुनवाई करने के बजाय, डे टू डे हियरिंग करने के बजाय तारीख मार्च की लगा दी गई, और वो गलत लगाई। जैसे चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसी चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में, जब लोग गए सोचा हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, हाईकोर्ट से न्याय मिलने की बजाय, वो स्टे होने की बजाय उन्होंने एक तारीख दे दी लंबी सारी। इससे साबित होता है जजेज या हाई कोर्ट फेल्ड इन अप होल्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेल्ड इन अप होल्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ऐसे सारे जज अब फ्री नहीं हो सकते, या किसी कंटेम्प्ट का भय दिखा के इस देश को चुप नहीं किया जा सकता। देश के असली मालिक देश की जनता है, और देश के वकीलों की प्राइम ड्यूटी है ऐसे मौके पर बोलने के लिए। CJAR संस्था ने बहुत बखूबी काम किया है, देश के कई रिटायर्ड जजों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में ये होना सुप्रीम कोर्ट में कि किसी बेंच के सामने केस लगने से पहले ही लोगों को पता चल जाए किसमें होना क्या है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश की। और ऐसे लोगों, ऐसे जजों के सामने से केस वापिस लेना, ये भी खतरनाक स्थिति है। लोगों को लगता है इन जजों के सामने न्याय नहीं मिलेगा, तभी तो आदमी अपना मुकदमा वापिस लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी, स्पेशल बेंच बनाने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिस पर हेड कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना, और उसमें कौन आदमी था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो झारखंड के मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आने वाला आदमी, उसकी फाइल को इस तरह फेंक दिया, जबकि कई इस तरह के 32 के पटिशन यही सुप्रीम कोर्ट दिन में और रात में सुनती रही है और लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती रही है। तो इससे देश का विश्वास कम होता है। देश का विश्वास देश की सुप्रीम कोर्ट से कम हो, ये हम सहन नहीं कर सकते। देश का कोई वकील, कोई नागरिक सहन नहीं कर सकता। इसलिए जजों को हटाया जा सकता सिर्फ पार्लियामेंट से, अगर पार्लियामेंट में जिनकी सत्ता है वही, और जजों के ऊपर आरोप यही लगे कि वो सत्ता से मिले हुए हैं, सत्ता के दबाव में हैं, तो ऐसे में किसकी ड्यूटी बनती है? देश के वकीलों की ड्यूटी बनती है, देश के नागरिकों की ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों का नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग करें। और देश में ये इस्तीफे की मांग आज देश के वकील कर रहे हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी इस्तीफा दे, क्योंकि दे फेल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे फेल्ड इन अपहोल्डिंग द लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो इस वजह से अब देश में कम से कम ये होगा, देश के लोगों को भी पता चलेगा जिन चीज़ों का इलाज हम नहीं कर सकते, और जिन चीज़ों को इलाज करने में दो लोग या तीन लोग सारी संस्थाएं मिल जाती हैं, तो ऐसे मौके पर चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उसको लगाने वाले सरकार है, और आजकल जो कानून भी बना लिया सरकार ही उनको लगा पाएगी। और अपने चमचों को अगर इस तरह की पोस्ट पे लगा देंगे और वो लोग देश के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो देश का पूरा अधिकार है, देश की जनता का अधिकार है, देश के वकीलों का अधिकार है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करें और उनसे इस्तीफे की मांग करें, ताकि उनके इस्तीफे की मांग करने से जो ईमानदारी से जज काम करें उनका मनोबल बढ़ता है, और जो आदमी संविधान के साथ समझौता करके देश को धोखा देना चाहते हैं उनका मनोबल गिरता है। यहाँ पे उल्टा सरकार ही आतंकवादी बन रही है, सरकार ही सबसे बड़ी नक्सलवादी बन रही है। देश के सड़कों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, किले गाड़ी जा रही हैं, देश के लोगों का रास्ता रोका जा रहा है, और बदनाम करने की कोशिश है किसानों की। तो ऐसे मौके पे भी हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने थोड़ा सा कहा था कि तुम नहीं रोक सकते, मगर वो सफल नहीं हुई कि उसको हटवाने में सफल नहीं हुई कि तुम ट्रैक्टर से जाओगे, क्या पे जाओगे, ये कंडीशन आप नहीं लगा सकते। अगर देश के सड़कों पर जिस कानून से दूसरे व्हीकल चल सकते हैं, ट्रैक्टरों को कौन रोक सकता, किसी के बाप का देश है क्या? अब ट्रैक्टर चलेंगे, अगर वो गलत तरीके से चल रहे आप चलान कर लो, इससे ज़्यादा पर आप रोक नहीं सकते लोगों को चलने से। कितने लोग हैं बिना हेलमेट के चल रहे हैं इस देश में, दिल्ली में भी चल रहे हैं, कितने लोग हैं बिना बेल्ट के चल रहे हैं दिल्ली में, कौन रोक रहा है उनको? वो पकड़े जाएंगे तो चलान हो जाएगा, मगर आप रोक नहीं सकते।
इसलिए ऐसी स्थिति में देश के प्राइम मिनिस्टर का चुप होना बहुत खतरनाक स्थिति की ओर दर्शाता है। देश के जो लोग बोलना चाहते हैं, जो लोग अपोजिशन के लोग बोलना चाहते हैं, उन पर मुकदमे और उनको जेल में रखने का काम हो रहा है और कोर्टों से न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। ऐसे मौक़ों पर देश का प्राइम मिनिस्टर खुद मीडिया के सामने बोलने की बजाय मन की बात करता है और मीडिया को फेस नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कोई भी नेता हो, देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि देश का प्राइम मिनिस्टर इधर उधर जाके अपनी सांप्रदायिक वेशभूषाएं बदल बदल के, सांप्रदायिक यात्राएं कर करके देश को जो गुमराह करने की कोशिश है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी की अपनी आस्था हो सकती है, नो प्रॉब्लम, मगर देश के तेल से, देश के जहाज से, देश की सुरक्षा से, इस तरह से अगर किसी को अपने धार्मिक या सांप्रदायिक काम करने हैं तो अपने निजी खर्चे से, निजी वाहन से करे, ये करना और प्राइम मिनिस्टर का उस पर चुप रहना और बार बार इस तरह की यात्राएं करना, बार बार इस तरह के प्रोग्राम करना, ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और देश में जहां भी बेरोजगार युवा या कोई भी बोलता है, उन पर लाठीचार्ज करना, ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश के लोग भय में ग्रस्त हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है, किसी डेमोक्रेटिक देश के लिए। इसलिए साथियों, ऐसे मौके पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर पाए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी के हाथों का खिलौना ना बने और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग डंके की चोट पे सरकार के गलत कामों की मदद ना कर पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील अभी तो मौखिक रूप से मांग रहे हैं, चंद दिनों में आप देखोगे रिटर्न रूप से भी इस्तीफा मांगेंगे ऐसे उन जजों का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो देश के संविधान और देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने में फेल हो रहे हैं। उनमें से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख दो नामों का जिक्र हमारी बार में चल रहा है, उनमें से एक जस्टिस संजीव खन्ना, दूसरे जस्टिस बेला त्रिवेदी। सर, जो आप ये प्रश्न लगा रहे हैं जजों के ऊपर, तो ऐसा अभी देखने वाला, देखिए पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, तमाम विधायक जो है सीधे सीधे जो है बीजेपी को वोट करने के लिए जा रहे हैं, कभी कहीं से मतलब दल बदल चल रहा है नेताओं का। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो इस तरीके का आप जो बात कर रहे हैं इस्तीफा देने की, ये नई कवायद शुरू हो गई है? ये नई कवायद नहीं, तो बहुत जरूरी थी, ये तो इमरजेंसी में हो जाना चाहिए था। जब इमरजेंसी में इस देश के सारे जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चंद एक आध आदमी को छोड़ के लंबे लेट गए थे, उम्मीद नहीं थी इस देश की तनख्वाह खाने वाले लोग, इस देश की तनख्वाह पे रहने वाले लोग, सारी जिंदगी पेंशन पूरी तनख्वाह की लेने वाले लोग, वो देश में चुप हो जाएं, देश के संविधान और देश के लोगों की रक्षा के वक्त पे काम नहीं आए, क्या करेंगे ऐसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों का करना क्या इस देश में? फिर जो लोग वक्त पे काम नहीं आ रहे, संविधान को नहीं बचा पा रहे, जो सरकार को लगता प्रेशर में काम कर रहे हैं, और इस पे तो हमारे चीफ जस्टिस बहुत अच्छा बयान दे चुके हैं, बांग्लादेश में सेमिनार में गए हुए थे, उन्होंने कहा इस देश का चीफ इलेक्शन कमीशन और देश की सुप्रीम कोर्ट अगर समय पे जागेगी नहीं, काम नहीं आएगी, तो क्या करना है इनका? तो देश की संस्थाएं हैं, देश के पैसे से चलती हैं, देश के लिए इनको काम करना होता है। उस वक्त अगर ये चुप रहें, बोल ना पाए या कोई ऐसी बातों पे तारीख मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये देश के लिए काम नहीं करी। इससे ये फिर साबित होता, पूरे देश में मैसेज जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फेलिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन, जो देश सहन नहीं करेगा। इसलिए देश के लोग और देश के वकील हमेशा ऐसे जजों से इस्तीफा मांगने के लिए फ्री हैं और मांगना भी चाहिए, और जिस भी पे भी शक हो जिस जज पे, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि देश की जनता को पता चले। ऐसा कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पे बैठ के, ठिकाने में बैठ के, सुरक्षा में बैठ के और बड़ी सुरक्षा वाली नौकरी पे कोई हटा नहीं सकता, सिर्फ पार्लियामेंट हटाएगी तो देश के मालिक क्या करेंगे? देश के मालिक जब मर्जी जिससे इस्तीफा मांग सकते हैं और मांगना चाहिए, और खासतौर पे ऐसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग हैं, चाहे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हैं, इन लोगों पर अगर कंट्रोल जनता का नहीं होगा तो बहुत बारी इमरजेंसी में जिस तरह से नकारा साबित हुए, ऐसे ही आज के दिन नकारा साबित हो जाएंगे। कौन कौन से केसेज हैं जिनमें आपको लगता है ईवीएम का भी केस? ईवीएम का भी केस है, वो मार्च में है, और सब वकीलों का ये कहना है अगर ये बेंच नंबर दो में रहा, जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में रहा, इसमें न्याय नहीं मिलेगा और जल्दी सुनवाई भी नहीं होगी। कैसे होगा लोकतंत्र में? इसलिए ऐसे होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, तो चीफ जस्टिस को देखना है, चीफ जस्टिस को देखना चाहिए और इसको डे टू डे हियरिंग करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए इमीडिएटली, जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में उन्होंने किया, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। पर सर, जो चार जज पहले आए थे आपने देखा होगा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका भी तो पता नहीं है, देखिए कहाँ। चार जज जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक जायज बात उठाने की कोशिश की थी और उसमें कोई बुरा नहीं था, उठानी ही चाहिए,
मगर उनमें से बाद में जाके जो सबसे ज्यादा घटिया साबित हुए और चीफ जस्टिस गोगोई जो पूरे लंबे लेट गए, उन पे एक महिला से छेड़खानी का मामला आया सामने, वो अपनी कोर्ट अपने खिलाफ अपनी खुद ही कोर्ट बिठा ली, जो मामला खुद के खिलाफ था उसमें खुद ही जज बन गए। ऐसा कलंक लगाने वाला जज जस्टिस गोगोई देश में के इतिहास में काले अक्षरों में उस आदमी का नाम लिखा गया। तो राज्यसभा में है, अब राज्यसभा में है। यस, ये लानत है इस देश पे और कलंक है इस देश पे कि ऐसे लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया गया, उनको किसी मकसद से टिकट दिया गया। जो लोग राम मंदिर के फैसले में थे, सारे के सारे जजों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है उनको, और पहली बार हुआ देश में कि जजमेंट पे नाम नहीं लिखा कि जजमेंट किस जज ने लिखी, ये चोरी भी देश में पहली बार हुई है। विपक्ष को जिस तरीके से अभी केजरीवाल को 8वां नोटिस मिल गया लगातार, ये क्या लग रहा है, अब गिरफ्तार हो जाएंगे और इधर लोकसभा के पहले ही सारा जो विपक्ष इसे, इसे, यही तो नंगा नाच हो रहा देश में। अरे भाई, बात उसकी नहीं है, जिसने कुछ गलत किया कानून के सामने आओ। कानून का तो सिर्फ ये काम है कि बिना ट्रायल के लोगों को आप जेल में लंबे समय तक नहीं रख सकते। अगर जेल में लंबे समय तक रखेंगे तो संविधान का उल्लंघन है, लोगों के लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन है। हाँ भाई, पैसे वसूल करने पैसे वसूल करो, तुम बिना पैसे की वसूली के लोगों को जेल में ठोक रहे हो, इसका मतलब तो इसका मतलब है आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं या विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं इन लोगों को अंदर करो और चुपचाप इलेक्शन जीत जाओ, ये तो एक तरह से चोरी है। और वो चोरी जो हो रही है तो उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है, स्पष्ट दिखाई देता देश के सामने। इसीलिए वकील अब कह रहे हैं कि ऐसे सब जजों का इस्तीफा मांगा जाए, और मांगा जाने की बातें होने लगी हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सरकार के किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं। जनता भी तो सामने नहीं आ रही है, जनता तो देखो, जनता तो हमेशा ऐसे ही सामने आती है। जनता कितनी सामने आ रही है, वहाँ किसान कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितना जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है अपने देश के नागरिकों पे, और ऐसा धुआं छोड़ा जा रहा है जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, परमानेंट उनके अंग खराब हो सकते हैं। ये तो दुश्मन की फौज पे भी नहीं छोड़ने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी कोई जहरीली गैस आप दूसरी फौज पे नहीं छोड़ सकते। आपको मानवीय लड़ाई लड़ना, गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं अगर वो आपके खिलाफ वो कर रहे हैं तो, मगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो बैन है। अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ समझौते हैं दुनिया के, और हम तो अपने आप को वो देश बताते हैं जहाँ लड़ाई में भी नियम कानून कायदे होते हैं। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बात तो वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, और सुबह का नाश्ते से पहले भी शाम का सोने के उसमें सारी बातें, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, जातिवादी, अगड़ा पिछड़ा, फलाना ढिकड़ा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं पूरी होती। तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। दिल्ली में भी धारा 144 लगाओ, कोई हाँ कर ही नहीं, इतनी लंबी धारा 44 आज तक देश में नहीं लगी, अंग्रेजों ने भी नहीं लगाई। अंग्रेजों ने तो कम से कम उसको लोगों को मारा था जलियांवाला बाग में, उसमें मारने वाले तो बहुत सारे सैनिक हमारे ही थे, देश के लोग थे उसमें। सुनो आप बातें पूरी करें, तो उन्होंने ओपन गोली चलाई थी, उनकी शक्ल भी देखी थी लोगों ने जिन्होंने मारा था। यहाँ तो बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे, यहाँ तो हरियाणा की पुलिस जाके चोरी छुप के ड्रेस बदल के जाके दूसरे लोगों को मारा है, दूसरे स्टेट में जाके, और बच्चों को उनको उठा के चोरी चकारी से बोरी में डाल के टांगे तोड़ी गई हैं। बताओ ये एक देश, ये यहाँ हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं क्या? क्या है ये सरकार है या आतंकवादी लोगों का कब्जा है सरकार पे? इसलिए देश का एक भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, देश का एक भी नागरिक नक्सलवादी नहीं है। जितने लोग भी आतंकवाद नक्सलवाद के बहाने मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो सारा का सारा सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी जबरदस्ती मनवाने के लिए, लोगों की बात सही तरीके से मानने की बजाय, बातचीत से समस्याओं का हल ना करने की वजह से जो उनको लगता है हमारी सत्ता में रोड़ा अटकाते हैं, ऐसे लोगों को आतंकवादी या नक्सलवादी बना के और बहुत सारे लोगों को इस देश में मारा जाता है। ये खतरनाक है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। हमारी भावी पीढ़ियाँ हम सबको गालियाँ देंगी कि उस वक्त आप लोग थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे बीजेपी के। लेकिन 400 लोग जब वो कह रहे 400 पार आ ही जाएगा, तो फिर इतना डर क्यों है कि धारा 144? देखो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, किसी को भी, हाँ अगर किसी को लगता है मेरी 400 पार है, किसी को लगता है मेरी 300 पार है, उनको लगता रहे, मगर उनको कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो देश में विभाजनकारी हो। सिर्फ वोट के लिए आप खाली सब कुछ भाईचारा खत्म करो, एक दूसरे को लड़वाओ, एक दूसरे को बांटो, एक दूसरे को आतंकवादी घोषित करो, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी घोषित करो, तो इसलिए ये कमजोर लोगों का काम है अपने लोगों में दोष ढूंढना, सबको चोर उचक्का साबित करना, और खुद कितना बड़ी चोरी हुई। अरे जिनके खिलाफ आप मुकदमे कर रहे हो उन्हीं कंपनियों से 350 करोड़ रुपए ले लिया आपने, चोरी पकड़ी गई आपकी, बताओ इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो, पॉलिटिकल भ्रष्टाचार देश में हुआ नहीं इस तरह की गुंडागर्दी तो,
कि जिसके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं, जो ईडी आईडी लगा रखी है, उन्हीं कंपनियों से चोर दरवाजे से तुमने 350 करोड़ रुपए ले लिए, रिकॉर्ड है। 350 तो एक नंबर में लिए होंगे, पता नहीं कितने गुणा इसमें दो नंबर में भी लिए होंगे। तो ये साबित करता है देश किन हाथों में है या देश को किस तरह से चलाया जा रहा है। व्यवस्था में ऐसा नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की बात करता, मानवीय व्यवस्था की बात करता, लोक लाज शर्म की बात करता है, वो शासन की बात नहीं करता। राजाओं का युग नहीं है, गुंडागर्दी का, किसी जार का या किसी हिटलर का युग नहीं है ये। हमने हिटलर और जार वाले देशों से समझना चाहिए, और ऐसी मानसिकता का कोई भी आदमी है राजनीति में, कोई या किसी भी पार्टी का, उन सबको दूर करना चाहिए देश के लोगों को, वरना पूरा देश, एक नेता बदमाशी करता पूरा देश भुगतता है उसको। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है, और बहुत खतरनाक स्थिति है देश की इस वक्त। मार्च में ईवीएम पे सुनवाई होगी, क्या लग रहा है आपको, कोई फैसला आएगा या फिर टाल दिया जाएगा? हमारे यहाँ वकील यही कह रहे हैं, इसी बेंच में रहा तो कुछ नहीं आएगा, ना सुनवाई होगी, ट्रकालोजी होगी, फिर एक तारीख लग जाएगी, तब तक इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इसमें न्याय करना है तो चीफ जस्टिस से गुजारिश है, वकीलों की सबकी, मेरी भी उसमें गुजारिश है कि इमीजिएट इंटरवीन करके बेंच बदला जाए और उसकी सुनवाई डे टू डे हो, जो दूध का दूध पानी का पानी देश के हित में लगे, अपने देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के हित में जो बात करे उसको फैसला लिया जाए तुरंत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को देश के सामने एक सही फैसला दे के सही फैक्ट्स के साथ देश को बताने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और सारे जज बैठ के सही सुनवाई करके सबकी सही बातों को सुन के उसको अपने फैसले में लिखें, वो जो फैसला करेंगे देश को विश्वास होगा।